तो फिर आपको क्या लगता है अगर बेंटेन और स्कारलेट विच के बीच की फाइट हो तो फिर कौन जीतेगा? क्योंकि आपने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स देखा होगा तो आपको पता होगा कि स्कारलेट विच जब डार्कहोल्ड को पढ़ लेती है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग बन जाती है कि वो अपने यूनिवर्स में रह के दूसरे यूनिवर्स के अपने एक और वर्जन को माइंड को कंट्रोल कर लेती है और उस यूनिवर्स के सबसे ज्यादा पावरफुल टीम को आराम से कुछ मिनटों में हरा देती है। तो इससे पता चलता है कि स्कारलेट विच कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन क्या हमारा बेंटेन इसके सामने टिक पाएगा? तो आइए देखते हैं। बेंटेन के पास एक ऐसा एलियन है जो कि स्कारलेट विच को कुछ ही सेकंड्स में हरा देगा, वो भी आराम से। लेकिन स्कारलेट विच को बुरा ना लगे इसलिए एक ऐसे एलियन से स्टार्ट करते हैं जो कि उस एलियन से थोड़ा सा कम पावरफुल है। तो फर्स्ट एलियन जो है वो है बेविक। बेंटेन के सारे एलियन में से बेविक सबसे ज्यादा लंबा एलियन है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि लंबा होने के कारण वो स्कारलेट विच को हरा पाएगा क्योंकि स्कारलेट विच बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन बेविक के पास एक ऐसा वेपन है जो कि शायद तक स्कारलेट विच को हरा दे और वो है कॉस्मिक बीम। तो फिर शायद तक बेविक जीत जाए। लेकिन अगर बाय चांस स्कारलेट विच जीत भी गई तो फिर बेंटेन के पास एक ऐसा एलियन है जो कि स्कारलेट विच को कुछ ही सेकंड्स में हरा देगा और वो है एलियन एक्स। तो फिर एलियन एक्स इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो कुछ ही मिनटों में पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है और क्रिएट भी कर सकता है, वो भी आराम से।